असलम दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया जिम्बाब्वे से हार गई T20 मैच में। ये टैग शायद सुनने में आपको लगे, बट जो जिम्बाब्वे में टीम इंडिया खेल रही है वो नई नवेली टीम इंडिया है। उसमें सिर्फ 3 वो क्रिकेटर शामिल हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर भी किसी तरह से थे। मगर एक ख़ास बात जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि 2-3 नाम जैसे पाकिस्तान में चले, कि साइम अयूब हुए, एक दो और नाम हुए जैसे उस्मान खान को हमने शामिल किया, कि आप इनको शामिल करने ऑन द बेसिस ऑफ लीग परफॉर्मेंस। इसी तरह टीम इंडिया में भी बहुत शोर मचा था। मुझे याद है अभी भी कि अभिषेक शर्मा का नाम बहुत चला था कि इनको टीम के अंदर शामिल करना चाहिए। लेफ्ट हैंड स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, बहुत तगड़ा बैटिंग की, बहुत धमाकेदार बैटिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले मैच में वो रन नहीं किए तो अब उनके ऊपर बात होनी चाहिए, बट माई पॉइंट इज़ के जब आप लीग क्रिकेट के ऊपर किसी को चुनते हैं और आपको लग रहा होता है कि ये आगे जाके इंटरनेशनल में भी वैसा खेलेंगे, शायद वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये बात सच है कि टीम इंडिया को पता है कि खिलाड़ी को ग्रूम कैसा करना है। यही अभिषेक शर्मा आपको बड़ी टॉप चीज़ नज़र भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं आएंगे, बट एट द पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ का लीग के ऊपर फैसले आपको जल्दबाजी में मुश्किल में भी डाल सकते हैं। जैसे अभिषेक शर्मा है, उनके ऊपर बहुत शोर हुआ कि उनको होना चाहिए 4 बॉलों पे 0 रन किए उन्होंने आज के मैच में। रैन पराग के ऊपर बहुत डिस्कस हुआ, उन्होंने 2 रन किए। उसके अलावा रिंकू सिंह हैं, वो खैर उनके तोल नहीं सकते आज की परफॉर्मेंस पे, अगरचे उन्होंने भी रन नहीं किए हैं, बट कुल मिला के वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बट इसमें उन्होंने रन नहीं किए। ये मैं जस्ट आपको एक बोलता इत्तफाकन ये बात बता रहा हूँ कि ये 2-3 वो नाम थे जिनके ऊपर काफ़ी शोर हुआ था कि इनको टीम के अंदर होना चाहिए, बट पहले मैच में टीम इंडिया को हार हुई है और आगे जाकर इनको कहीं ना कहीं किसी मैच में जीत जरूर मिलेगी। मगर जिम्बाब्वे के हाथों 13 रन से इनको हार हुई पहले T20 मैच में, जिससे ये सीरीज थोड़ी सी के एक जिसमें जिसे बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ा है, क्योंकि इधर टीम इंडिया यहाँ पर अपने देश में बहुत सेलिब्रेशन कर रही है वर्ल्ड चैंपियन बनने पर, और वहाँ पर इम्तिहान था एक नई टीम को, क्योंकि 2-3 चेहरे जो हैं वो अब टीम इंडिया के T20 में नहीं होंगे, जिसमें रोहित शर्मा है, जिसके अंदर रविंद्रा जडेजा है, जिसमें विराट कोहली हैं, तो 3 की जगह तो है। अब इन 3 की जगह पर कौन सा आएगा? कैंडिडेट बहुत से हैं, आप शुभमन गिल को भी ओपनर के तौर पर देख सकते हैं, अभिषेक शर्मा का मैंने आपको पहले बताया कि बहुत चर्चा था कि उनको भी हो सकते हैं, बट अभी आगाज़ है। और टीम इंडिया की जो चीज़ अच्छी है, आप इसी टीम को उठा के देख लीजिए, जिसमें वो बेशतर वो नाम मिलेंगे जो उनकी टीम ए से लगातार जुड़ के आ रहे हैं। मुझे याद है पाकिस्तान जब जूनियर एशिया कप खेला था इंडिया से, पूल मैच पाकिस्तान हारा था, फाइनल जीता था, ये बहुत से नाम ऐसे हैं जो उसमें भी थे। इसके अलावा जो चाइना में गेम खेलने गए उसमें जो ये टीम थी उसमें भी बहुत से नाम हैं जो उसमें हैं, खासकर रवि बिश्नोई, जो मुझे लगता है कि शायद उनका कद इतना है कि वो टीम इंडिया के अंदर भी खेल सकते थे। मगर जहाँ पर कुलदीप यादव हैं, जहाँ पर रविंद्र जडेजा हैं, जहाँ पर चहल की बारी नहीं आई और बाकी स्पिनर खेले हैं, तो शायद बिश्नोई की बारी भी आना मुश्किल था। बट मुझे लगता है कि ये फ्यूचर का एक अच्छे पर्सपेक्टिव है, खासकर जब रविंद्र जडेजा नहीं है, ऑलराउंडर नहीं, तो आपके पास कम से कम एक अच्छे स्पिनर के तौर पर आपके पास ऑप्शन रहती है, खासकर T20 फॉर्मेट के लिए बेस्ट स्पिनर के तौर पर वो माने जाते हैं। तो 3-4 चेहरे ऐसे हैं इस टीम के अंदर जिनके ऊपर लगातार नजर रहेगी कि इस जिम्बाब्वे टूर में वो क्या कर सकते हैं। शायद इसके बाद भी जो टूर श्रीलंका का कर रहे हैं उसमें भी फुल फ्लैश टीम इंडिया वहाँ पर ना जाए, बट माई पॉइंट इज कि ये लगातार इनके टूर्स के बाद आपको एक अच्छी टीम जरूर मिलेगी। शायद ये सीख पाकिस्तान के लिए भी रहे कि आप जब फुल फ्लैश टीम चेंज करते हैं, शायद उससे पहले आपको अपनी ये टीम को इतना ग्रूम कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 साल लगातार आपकी ये टीम खेले, उसमें आपको फ़ायदा मिलता है कि आपके वो चेहरे जरूर मिल जाते हैं जिनको आप रिप्लेस करना चाह रहे होंगे। मुझे अभी भी याद है कि मिसबाउल हक के कप्तानी में हमने ये टीम अपनी रखी थी, वो बहुत पावरफुल ये टीम थी, जो भी फॉरन टूर टीम आती थी वो पाकिस्तान की ये टीम के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलते थी और एक ज़बरदस्त किस्म के मैच होते थे, वो चाहे साउथ अफ्रीका की टीम होती थी शॉन पोलक वाली, तब भी उन्होंने प्रैक्टिस मैच मिसबा की ये टीम के साथ खेले थे। मुझे आज भी याद है, अगरचे वो मेरा शायद मैं जर्नलिज्म में नहीं था, स्टूडेंट था, लेकिन मुझे याद है कि वो हुआ था, क्योंकि हमारी ये टीम इतनी मजबूत होती थी। बट अब क्या हुआ, पिछले 1-1.5 साल में हमने ए टीम 4-5 बना रखी, इवन के एक टूर के अंदर भी हमारे 2-3 दिन कप्तान चेंज हुए। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है कि आप अगर आप खेल रहे हैं जिम्बाब्वे के साथ, आप आयरलैंड के साथ खेल रहे हैं, चाहिए वो एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर आप अपनी टीम को तो भेज सकते हैं 2-3 पुराने चेहरों के साथ, बाकी सबकी सब नई टीम से। शायद आपको अर्लियन हार बने मगर इस हार को कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा कि आपको हार क्यों हुई है, उसमें आपको जीत ही जीत मिलेगी, क्योंकि आपको 2-3 ऐसे खिलाड़ी जरूर मिल जाएंगे जो आपको बेसिकली चाहिए होंगे। 11 के 11 आप रिप्लेस नहीं करते हैं, आपको 3-4 प्लेयर चाहिए होते हैं जो आपको 2-3 सीरीज या कम अज़ कम 1 साल के सीज़न में मिल जाते हैं। तो सो इस हार को आप क्या देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरे सप्ताह के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।